बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल वहाब, रोल नंबर SP21BCS073। जो मेरा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चर बेसिकली कहते किसको हैं? एग्रीकल्चर एक टर्म ऑफ है प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। इसमें कल्टीवेशन ऑफ सॉयल आती है और रोरिंग्स ऑफ रियरिंग्स ऑफ एनिमल्स, जिससे हम फूड ले सकते हैं इन शेप ऑफ मीट, मिल्क वगैरह, वूल, और इसमें सारी सी लाइफ भी आती है। इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर जो है मेन हमारे पाकिस्तान इकॉनमी की बैकबोन है। जीडीपी में अपना बहुत अहम रोल प्ले करती है, 18.9% है, जो कि सेकंड नंबर पर लाया करती है। और इससे 42.3% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लिंक्ड है। आगे इसको डिटेल में देखते हैं। प्रोडक्शन, ये एक अकॉर्डिंग टू सर्वे इन 2018 एक लिस्ट है। पाकिस्तान ने 67.1 मिलियन टन ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस किया था, 25 मिलियन टन ऑफ वीट। ये इसी तरह आगे सारे हैं। ये रैंकिंग पाकिस्तान की जो लाइक कर रहा है वर्ल्ड में, ये मैं सारे पढ़ूंगा नहीं, बट देख लें आप। इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी एग्रीकल्चर की? ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट मेट होती है इससे, इंक्रीज इन जीडीपी लेवल, कंट्रीब्यूट इन एक्सपोर्ट्स, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे? एग्रीकल्चर के मीन्स के फार्मर हैं जो काम कर रहे हैं, डायरेक्टली लिंक्ड हैं वो एग्रीकल्चर से। इसी तरह इंडस्ट्री हमारी चल रही है एग्रीकल्चर की वजह से, जिसमें लोग काम कर रहे हैं, और ये ड्राइवर्स वगैरह हो गए जो ट्रांसपोर्टेशन में, मार्केट्स में लोग इनको बाय सेल कर रहे हैं, वो इनसे लिंक्ड हैं। जो कि 42.3% जो टोटल पॉपुलेशन है वो लिंक्ड है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर से। अच्छा, आगे देखते हैं फूड रिक्वायरमेंट कैसे है। ये फूड रिक्वायरमेंट इस सेंस में है कि अब हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो अराउंड 22 करोड़ पीपल पे लाए करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे अल्लाह ताला के नेमत है कि हम यहाँ से ही उगा के खा रहे हैं, वरना हमें बाहर से ख़रीदनी पड़नी थी ये चीज़ें अब्रॉड से, जो कि काफ़ी महंगी पड़ जानी थी और आम लोकल्स के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जानी थी खाने की चीज़ें। और आगे देखते हैं इंक्रीज इन जीडीपी लेवल। जीडीपी लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है एग्रीकल्चर, जो लाया करता है, कंट्रीब्यूट करता है 25% टोटल जीडीपी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह इसमें लाइफ स्टॉक्स भी आ जाते हैं, सबको मिला के ये फिगर बनाई गई है। आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है कि जो वीट वगैरह या राइस, कॉटन वगैरह, ये एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें बाहर, या इनसे इंडस्ट्रीज में कपड़ा वगैरह बन के कॉटन से, वो एक्सपोर्ट होता है, जो कि हमारी इनकम एग्रीकल्चर से आ रही है, जिससे हमें फॉरेन करेंसी वगैरह मिलती है। और आगे देखते हैं इसी तरह रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी जाहिर सी बात है हमारे एग्रीकल्चर से आता है। मींस के जो कॉटन की इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे कॉटन पे चल रही हैं, जो हम पाकिस्तान की ज़मीन से निकलता है, मतलब बनता है। और आगे इसी तरह शुगर मिल्स जो हैं वो भी शुगर कैन पे चल रही हैं। और आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है। जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट किसी भी इकॉनमी की मुल्क में। और जितना वेल ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी इकॉनमी होगी। और मींस के इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आ जाती हैं, इसी तरह मार्केट्स का सर्कल आ जाता है, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ जाती हैं। बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।